इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह आखिर मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं हो पाए। सबसे बड़ी बात, ये दूसरा मौका है जब पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। पिछली बार 2017 के चुनाव में भी उन्हें एक बड़ी जीत हासिल हुई थी और तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो योगी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। इस बार भी 1,81,000 वोटों के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं और पंकज सिंह ने पिछली बार भी नोएडा से ही अपने मुकाबले को जीता था। हम आज आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जो पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो राजनाथ सिंह केंद्र में नंबर 2 की पोजीशन पर थे। समय के साथ वो नंबर 3 की पोजीशन पर आ गए और उनकी जगह अमित शाह ने ले ली। 2017 में जब यूपी में योगी सरकार आई तो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के खासम खासों में शुमार श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे नेता पहली बार में ही मंत्रिमंडल में जगह पा गए। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों का टिकट इस बार कट चुका है। न श्रीकांत शर्मा को जगह मिली है, न सिद्धार्थनाथ सिंह को जगह मिली है। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि पंकज सिंह को जगह मिल सकती है, लेकिन उन्हें भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। 2017 में भी पंकज सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, तब भी उन्हें योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी और यही बहस चल रही थी कि आखिर पंकज सिंह को शामिल क्यों नहीं किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका है। दरअसल बीजेपी ने पूरा विधानसभा चुनाव परिवारवाद के मुद्दे पर लड़ा। अखिलेश यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। जवाब में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर भी परिवारवाद के ही हमले किए। इसमें जो सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामने आता है वो है पंकज सिंह का। पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। राजनाथ सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय उनका खासा दखल रहता था, उनका बेटा होना हाल के परिदृश्य में पंकज सिंह पर भारी पड़ता है। 2017 के चुनाव में भी उनके जीत के बाद मंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पंकज सिंह अब मंझे हुए नेता बन चुके हैं, उनका अनुभव लंबा हो चुका है। दूसरी बार भी नोएडा से उन्होंने उत्तर प्रदेश की इस बार की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। सबसे बड़ी जीत के मामले में वो दूसरे नंबर पर तो रहे, लेकिन मंत्रिमंडल में इस बार भी उन्हें जगह नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने परिवारवाद को बहुत गंभीरता से लिया है। कम से कम पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में नहीं लेने का फैसला इस ओर इशारा करता है। आने वाले समय में पंकज सिंह की भूमिका बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ी भूमिका होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को राजनाथ सिंह भी समझते हैं और पंकज सिंह भी, लेकिन फिलहाल वो मौका नहीं है जब पंकज सिंह को कैबिनेट में शामिल कर एक बार फिर परिवारवाद के हमले बीजेपी अपने ऊपर ले। पंकज सिंह को बेशक मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन उनका कद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर बढ़ेगा। वो युवा हैं और आने वाले समय में उनके पास असीम संभावनाएं हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार भी उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने की सबसे बड़ी वजह परिवारवाद का मुद्दा ही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।